हेलो दोस्तों, मैं केजीएन पोल्ट्री से फिरोज आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं अपने पोल्ट्री के बारे में। जो पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को कुछ जानकारी दूंगा और अपने पास जो बर्ड्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। लोग मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, कुछ लोग करना चाहते हैं कि पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पोल्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहती है, बच्चे कहाँ मिलते हैं, कैसे पाला जाता है, तो वो सब जानकारी हमारे पास से आप लोग को मिल सकती है। और चूजों के लिए, चूजे कहाँ मिलते हैं, तो चूजे के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं आप हमारे चैनल पे पोल्ट्री केजीएन पोल्ट्री एंड हैचरी में। और जैसे कि ये जो बर्ड्स दिख रहे होंगे, ये सब दिख रहे हैं, ये बर्ड्स के बारे में, इनके चूजे अपने पास मिल जाएंगे और इनको कैसे पालना है, कहाँ बिकेगा, कितने दिन में बड़े होंगे, ये सब का जानकारी आपको देना चाहता था मैं। तो ये वनराज, ये जो अपना बर्ड्स है, ये है डीपी क्रॉस है, ये महाराष्ट्र से आया हुआ है, ये महाराष्ट्र का ओरिजिनल ब्रीड है ये डीपी क्रॉस। तो इसके बच्चे अपने पास में अवेलेबल हैं और जिस किसी मतलब कि जो पालना चाहते हैं, जो भी दोस्त यार हैं, है ना, किसान लोग हैं, और ये फ्री रेंज में भी पाल सकते हैं आप। घूम फिर के ये चर लेता है बाहर, इसको आप बाहर पे दाना डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे तो ये थोड़ा बहुत बाहर का खा लेगा, थोड़ा बहुत दाना आप डाल दीजिए, तो उससे क्या होता है कि कम पूंजी में आपका माल तैयार हो जाता है और फायदा अच्छा हो जाता है। रेट भी मार्केट में रेट अच्छा है इसका, इसकी मार्केटिंग अच्छी है, अदर दूसरे बर्ड्स से ज़्यादा इसकी डिमांड अच्छी है, दिखने में भी अच्छा है ये, इसका मीट भी अच्छा है। और जिस किसी लोग मतलब जो भी हैं फार्मर हैं या जो भी, अगर उनको बच्चा चाहिए, बच्चा छोटा बच्चा एक दिन का दो दिन का, तो बच्चा अपने पास से मिल सकता है, अपने हैचरी में खुद का प्रोडक्ट है बच्चे, अंडे अपने यहाँ से खुद ही प्रोडक्शन हो रहा है, अंडा निकलेगा उसके बाद में बच्चा जैसे जो ऑर्डर होगा। और ये हमारा फार्म है जामुल, भिलाई जामुल से ग्राम बासिन करके एक जगह है, गांव है ग्राम बासिन, वहीं पे आपको ये हमारा फार्म है। और हमारे से संपर्क मोबाइल में कर सकते हैं, मोबाइल नंबर इसमें आपको अपने चैनल में डाल देंगे। और जो भी जानकारी और किसी को होगा वो हमसे फ़ोन में संपर्क कर सकते हैं। कुछ जानकारी ये है, जैसे ये कितने दिन में बड़ा होता है, तो ये 70 से 75 दिन में आपको 1.25 किलो उसका वेट आता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपन इसको अपने पास इसके पेरेंट्स हैं, एक नंबर पेरेंट्स हैं, मतलब एकदम तंदुरुस्त पेरेंट्स, उनके जो अंडे निकलते हैं उस अंडे से अपन बच्चों का हैच करते हैं और बच्चे एकदम बहुत अच्छे मिलेंगे, तंदुरुस्त बच्चे मिलेंगे, लूज और वीक बच्चे नहीं रहते अपने पास। और वो बच्चा जैसे आसपास के लोग हैं, 150 किलोमीटर से कोई लोग आते हैं लेने के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा कि तुरंत में बच्चा पहुंचता है फार्म के अंदर में या जहां भी पालना चाहते हैं, तो बच्चा वीक नहीं होता जाने तक में। और 70 से 75 दिन में 1.25 किलो वेट आता है इसका। और खिलाने में भी आप इन लोगों को पोल्ट्री फीड्स में जो भी खिला सकते हैं, बाकी घूम फिर के भी ये चर के भी अपना पेट भर लेता है। तो वही जानकारी देना चाहता था। और किसी कोई भाई लोग अपने से बच्चा लेना चाहते हैं तो हमारे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो मुर्गियों के जो बच्चे हैं, जिसको किसी कोई लेना चाहता है, तो एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जो मुर्गियों के बच्चे हमारे हैं, खुद की मुर्गियाँ हैं, खुद के पेरेंट्स हैं, उसमें से जो अंडे निकलते हैं उसको हम हैच करते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता अपने पास। बाहर से जैसे कि अंडा कहीं से आ रहा है, वो अंडा कैसा था, वो कौन सा बर्ड्स भेजा था, कौन सी बीड्स थी वो, है ना, उसका बच्चा कैसा निकला, फिर वो हम आपको दे दिए, उसका रिजल्ट कुछ और आ गया, वैसा नहीं है। हमारे पास एकदम गारंटेड माल है,
बढ़िया एकदम स्वस्थ बच्चा मिलेगा और बहुत उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और जो मशीन है, मशीन को भी आपको दिखा देता हूँ, मशीन से जिसमें से बच्चे निकलते हैं, कैसे डाला जाता है बच्चा मशीन में, कैसे अंडा डाला जाता है, बच्चे निकलते हैं, हैच कैसे होता है, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए ये जैसे मशीन है हमारी, 1000 अंडे की है, फुल ऑटोमेटिक है, अंडे पूरे इसमें अभी डले हुए हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ये डेट लिखी हुई है, देखिए 23 तारीख की डेट लिखी हुई है, ये 17 तारीख की डेट लिखी हुई है, ये 17 तारीख की डेट है, तो डेट वाइज इसमें अंडे डले हुए हैं। तो जैसे ये 21 दिन के होंगे, उसके बाद में इसको हम इसके दूसरे प्रोसेस में 18 दिन में इसको दूसरे प्रोसेस में डाल देंगे, और 21 दिन होगा तो इसमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे। और बच्चे निकले हुए हैं वो अंडे, ये सब आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा।